आतंकी बुरहान वानी पर फिर खुली पाकिस्तान की पोल। फैसलाबाद में लश्कर चीफ हाफिज सईद की रैली में दिखे बुरहान वानी के पोस्टर। 13 जनवरी को पाकिस्तान के फैसलाबाद में बुलाई गई थी रैली। सूत्रों के हवाले से खबर, रैली में कठुआ और पुंछ लॉन्च पैड्स के कमांडर भी हुए शामिल। वीडियो में हिंदुस्तान के खिलाफ हाफिज ने फिर उगला जहर। कश्मीर की आजादी के लिए समर्थकों से लड़ाई जारी रखने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। चार पाक आतंकियों को सुरक्षा बलों ने खदेड़ा। एक के ढेर होने की खबर। सुबह होते ही सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। तारना नाला से भारतीय सीमा में घुसे थे आतंकी। नोटबंदी लागू करने के तरीकों पर सामने आया आरबीआई कर्मचारियों का असंतोष। गवर्नर उर्जित पटेल को लिखी चिट्ठी, कहा अपमानित महसूस कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन ने किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान। स्लीपर पर छापी फोटो। इससे पहले तिरंगे वाली डोमैट्स को लेकर खड़ा हुआ था विवाद। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कड़े रुख के बाद हटाया गया था विज्ञापन। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति की फाइनल। पीएम मोदी करेंगे 12 रैलियों को संबोधित। अभियान में स्थानीय नेताओं को मिलेगी अहम भूमिका। यूपी की समाजवादी सरकार पर बीजेपी के नारे से किया वार। गुंडागर्दी के ठेकेदार नहीं चाहिए सपा सरकार। समाजवादी पार्टी के नाम और पार्टी चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग ने सुनवाई की पूरी। ईसी ने सुरक्षित रखा फैसला। चुनाव आयोग ने 5 घंटे तक सुनी दोनों गुटों की दलील। सोमवार तक फैसले की उम्मीद। मुलायम ने खुद को अध्यक्ष बताकर मांगी साइकिल। अखिलेश गुट ने दी 2/3 समर्थन की दलील। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फैसला करेंगे। अब चुनाव आयोग जो भी तय करेगी वो मंजूर। करीब 2 महीने बाद आमने सामने हुए तीनों भाई मुलायम और शिवपाल के सामने। अखिलेश गुट की ओर से रामगोपाल ने संभाला मोर्चा। पीलीभीत में चेकिंग के दौरान प्राइवेट गाड़ी से 44 लाख की नकदी जब्त। हिरासत में 2 लोग। यूपी के शामली में चेकिंग के दौरान कार से 4 लाख की नई करेंसी बरामद। 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के गाजियाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 पिस्टल के साथ दर्जन भर हथियार बरामद। चुनावों में इस्तेमाल होने का शक। यूपी के गोंडा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश। हथियार तैयार करता एक शख्स गिरफ्तार। 3 तमंचे जब्त। यूपी के गोंडा में स्कॉर्पियो गाड़ी से 2,57,000 रुपए बरामद। गाड़ी पर लगा था कांग्रेस का झंडा। सर्जन ए के बंसल हत्याकांड में हथियारों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फुटेज में वारदात को अंजाम देकर भागते दिखे आरोपी। सीसीटीवी फुटेज में जैकेट और जींस पहने दिखे अपराधी। सभी ने चेहरा छिपाने के लिए पहना था नकाब। डॉक्टर बंसल का रसूलाबाद घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। बड़े बेटे अर्पित ने दी मुखाग्नि। सर्जन की हत्या के बाद से इलाके में तनाव। बदमाशों ने अस्पताल चेंबर में घुसकर मारी थी डॉक्टर बंसल को गोली। सर्जन की हत्या के खिलाफ इलाहाबाद में सड़कों पर उतरे डॉक्टर। 1 दिन की हड़ताल का किया ऐलान। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने परिवार के साथ मनाया लोहड़ी का जश्न। पत्नी गीता बेटी हिनाया के साथ पूरा परिवार हुआ शामिल। भारत पाक सीमा पर जवानों ने मनाया लोहड़ी का त्योहार। ढोल की थाप पर नाच गाकर मनाया जश्न। जम्मू में भी सरहद पर मनाया लोहड़ी का त्योहार। मस्ती में झूमे बीएसएफ के जवान। दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक दिखी लोहड़ी की धूम। ढोल की थाप पर थिरके लोग। उत्तर भारत में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। वाराणसी में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। करण जौहर ने काजोल के साथ दोस्ती टूटने की वजह का किया खुलासा। बायोग्राफी द अनसुटेबल बॉय में पति और एक्टर अजय देवगन को ठहराया जिम्मेदार।
करण जौहर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, प्रॉब्लम मेरे और काजोल के बीच में नहीं बल्कि उनके पति और मेरे बीच में थी। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने कैटरीना कैफ को किया आमंत्रित, ऑक्सफर्ड यूनियन में बोलने का दिया मौका। रंगून में साथ काम कर रही कंगना रनौत के साथ तनातनी की खबरों को शाहिद कपूर ने किया खारिज, कहा हमारे बीच नहीं है कोई विवाद, दोनों मिलकर करेंगे फिल्म का प्रमोशन। मां बनने के बाद पहली बार रैंप पर नजर आएंगी करीना कपूर, फैशन वीक में मशहूर फैशन डिजाइनर नीता डोंगरे की बनेगी शो स्टॉपर।